ले मैं ठाड़ो है बाबू मुझे कोई पैसे उठा दे लहंगा पे बैग लगा दे लहंगा लगा दे लगा लहंगा उतार के एक नंबर गई हो हाँ गाऊंगा रसियाबाजी में चार नंबर होते हैं ये मेरा तीसरा है और इसके बाद मेरा लास्ट नंबर आएगा तो उस नंबर को मैं लहंगा अपनी चुन्नी उतार के ही मर्दाने वेश में मंच पे गा करके जाऊंगा क्या बात है क्या चैलेंज तूने भरतिया का चैलेंज किया मैंने स्वीकार किया और तूने इसका भी चैलेंज किया है कि मर्दाने में एक गीत गा देना तो जब मेरा लास्ट का नंबर होगा तो केवल एक गीत मैं मर्दाने में गा करके जाऊंगा जो तूरे पूरे रात के नंबरों पे मेरा एक गीत भारी पड़ जाएगा क्या बात एक बात बड़ी बढ़िया लगी रावण की बहना सुपड़खा वो पंचवटी पे हंस गई है लक्ष्मण तेजो कहने लगी मेरी सूरत मन में बस गई है ऐसो रूप सिंगार करो जैसे जीन में घोड़ी कस गई है जिन्ना कटाए के जावेगी नथिया गुंडन में फंस गई है देखो तुम यहाँ पे आप ताली बजाओगे ना कि बेवकूफी पे सुपर खा देखो ध्यान से सुनना गौर से ये ऐसा माहौल बनाए के लामत है कि जनता से भूल जाते हैं क्या कह गए वैसे बजा देते हैं चलो मन मारो मत भाई छोरा को बजाई दो हालांकि बात में कुछ नहीं है रावण की बहना सुपर खावा पंचवटी पे हंस गई है सही है सुपर खा पंचवटी पे हंस गई है एंड की लाइन है कि नाक कटाए के जावेगी नथिया गुंडन में फंस गई है अगर तुम जा बाते मोते कह रहे हो कि तू गुंडन में फंस गई है तो ये मोहनपुरा में गुंडा कू है और तुम अगर सुपड़ खां की बात कर रहे हो कि नथिया गुंडन में फंस गई है तो माँ गुंडा को दो ही तो मर्द है एक राम एक लक्ष्मण क्या बात है क्या भाई गुंडा को फिर बस वैसी नथिया गुंडन में फंस गई है नथिया गुंडन का है जी हाँ बेटा ऐसी भरनाटे काटे की 6 बजे तक हाँ बजा बेटा एक चौक छंद का उसके बाद इनके गीत का जवाब और उसके बाद मेरी तरफ से गीत होगा जो बड़े मशहूर चल रहे हैं एक गीत उधर से गा रहे थे भैया ने कहा पूरा पूरा कैसे गा देंगे ये इस गीत को पूरा केवल मेरे गुरु साहूकार रमेश गा सकते हैं हाँ सत्तो शर्मा के जो मैंने नहीं देखे थे सत्तो शर्मा जी उनके मरने के बाद उस अखाड़े में मैंने पगड़ी बांधी और मैं जो शिष्य हूँ और जो मेरे गुरु हैं वो हैं अतरौली वाले साहूकार रमेश एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए और देखो इतना बड़ो डॉग और है मुझे बफेलो माने भैंस जो करो जो कह रहो जिका कह दी मतलब जैसे हम पे इंग्लिश आमती ना तो आधे इंग्लिश और आधे हिंदी को जवाब में तो दे रहो इंग्लिश में तो हम पे इंग्लिश ही आमत है I don't like this your face and language. क्या बात है? क्या यार? माइक पे क्या करे? बहुत अच्छी कोई बात नहीं। और क्या तुम ऐसे ही रसियाबाज हो? हम ये कैसे रसियाबाज हो? ऐसे ना है? युवा मंदिर सीधी। अरे मोहनपुरा की जा मंच पे और तेरी दई छतुरी सीता ने और कोई मोहनपुरा के मंच पे और तेरी दई छतुरी सीता ने देखिए ये रसिया वालों की एक कायरता मैं आपको इस मंच पर बता रहा हूँ गाने तो मैं पहली बार आया हूँ डॉक्टर साहब ध्यान से सुनो गाने तो पहली बार आया हूँ पर जब रसिया वाला कोई अखाड़ा मरता है चार चीजों का सहारा लेता है वो फिर जब गाने बजाने की ताकत उसकी खत्म हो जाती है और उसे लगता है कि जनता में मेरा माहौल नहीं रहा तो फिर वो चार चीजों का सहारा लेता है जो आप लोगों के दिल का भाव है पर उसके साथ खेला करता है लोगों के दिल में चार चीजों के प्रति भाव होता है एक तो धर्म के प्रति भाव होता है धर्म एक देश के प्रति भाव होता है एक कन्याओं के प्रति भाव होता है एक माता पिता के प्रति भाव होता है जब वो मर जाता है तो या तो हाथ में तिरंगा ले लेता है या फिर बेटी की बातें करके लोगों के दिल तक बात पहुंचाकर तालियां बजवाता है गाने में कुछ होता नहीं है केवल लोग बेटी के नाम पर तालियां बजा देते हैं
दादा तेरी दई छतुरी सीतान और तेरी जितनी ऊंची दुकान है तेरे उतने ही फीके पकवान। और बंसी ब्रज में मधुर के मेरे श्याम से दो सौ आइयो मेरे श्याम से दो सौ आइयो रे मेरे श्याम से दो सौ आइयो अरे अब तो बोरे हाँ जी उधर से एक ही गीत आया बजाना मां साहब तू तो है सजनी साजन की। हाँ विष्णु का रूप तो बेटी लक्ष्मी समान है ये ईश्वर का वरदान है बेटा है एक रतन तो बेटी रत्नों की खान है ये बेटी बड़ी महान है ये गीत था ये केवल इस भारत की मिट्टी में है बाकी किसी भी देश में चले जाना कहीं नहीं है। बेटे से कई गुना ऊंचा अगर तुम्हारा दिल कहे कि जवाब सही है तो ताली बजाना अन्यथा जूता फेंक कर मार देना मैं बच्चा हूं आपका कोई कम नहीं होगा। अरे बेटा से कई गुना ऊंचा देखो बेटी का स्थान है ये बेटियों की पहचान है। और केवल भारत में ही होता है ऐसा कैसा। अरे बेटा से कई गुना ऊंचा देखो और बेटी का स्थान है ये बेटियों की पहचान है। और माता पिता को जिस धरती पर माता पिता को और जिस धरती पर सब माने अपना भगवान है केवल वो अपना ये हिंदुस्तान केवल अपना ये हिंदुस्तान वो अपना ये हिंदुस्तान। हाँ भैया बात सही है गलत है एक बार हाथ उठा के बताओ देख। अरे माता पिता को और जिस धरती पर सब माने अपना भगवान है वो केवल अपना ये हिंदुस्तान केवल अपना ये हिंदुस्तान है। दादा बैठो बैठो बैठो
डॉक्टर साहब ये कलम की लड़ाई है, मैं क्या कह रहा हूं, आपके काफियात है, वरदान है, सम्मान है, और बेटी रत्नों की खान है, और बेटी बड़ी महान है, और मैं क्या कह रहा हूं कि ऊंचा, आप बोलो ऊंचा स्थान है, और बेटियों की अलग पहचान है, और माँ बाप को जहां माने भगवान है, वो केवल एक ही हिंदुस्तान है। काफिया किशन गुरु, अब वो काफिया कहां गए, मूर्ति ये हनुमान की, और मैं कह रहा हूं हनुमान की, और तुम कह रहे हो ले जा छांट के, कहां गए काफिया भाई, मैं कह रहा हूं हनुमान की, राम लखन जान की मूर्ति, गोगा चौहान की, और तुम कह रहे हो ले जा छांट के, राम को ले जा, दाऊ जी को हलमू से ले जा, इन मूर्तियों को मैं क्या करूंगी भाई, इनको हम क्या करूंगी, मैं जनानी रही तेरे इन कैलेंडरों को मैं करूंगी, कहा पैसा ले ले, अरे पैसा ले ले ना, अब ही तो दे दे पतिवर्तन का तो पति 12 महीना है देवता, और ऐसी राण लो आई तो एक ही दिन अमंत सालम भाई से, पतिवर्तन का जे तो पति 12 महीना देवता है, और जो रंडी है वो कहां मानेगी पति देवता, एक दिन तो मान लेते भाई से, अगर मैं कैलेंडर लूंगी तो काय को लूंगी, देख अरे पैसा ले जा चाहे फिर की कह जा, तू दे जा अब मोकू तारीख बारो कैलेंडर दे के बा में परवा दियो जो 30 सब सही होए, ऐसो ना होए का 29 की वजह 20 में दंगल हो जाए भाई, ये कैलेंडर की वजह से हुआ है, कैलेंडर दे सही सही असली कैलेंडर, अरे पैसा दे जा चाहे फिर की कह जा, आज दे जा मोकू कैलेंडर परवा चौथ को, बामे परवा दो जो 30 सब चौथ सब ठीक होए, अरे कैलेंडर परवा चौथ को, कैलेंडर परवा चौथ को, और जो ताऊ जी के मूसर को कैलेंडर ना चाहिए मोए, और ताली देखो तो गल्ले मोले हो इतो को देख लियो तुम, अब अरे कैलेंडर परवा चौथ को का करू गुरु, मजबूर हूं जो तुम्हारो जो डॉग पक्के मंच पे भाग जामो तो फिर ये क्या रसियाबाजी है, डॉक्टर साहब क्या रसियाबाजी है, और जो कह रहा हूं मैं हंस के सुन तू कहां सुन रहा है गाड़ी में बैठ के, अरे कैलेंडर परवा चौथ को, कैलेंडर परवा चौथ को, और ताली देगा वो टेंपो बेटे बेटा सोनो है तू, और जो घूरो है घूरे परो है सोनो, एक सरगम मैं गा दूंगा तो तू गा सकता है पर बापे ना गवेगी, मारे ना मेरे साथ पहले मेरे साथ गाता था, इनके कलाकार मर गए सबरे जब जी मैंने इनको दयो को तुम ले लो चलो, देख औरत हूं, अरे पैसा ले जा चाहे फिर की कह जा, आज दे जा मोकू कैलेंडर परवा चौथ को, कैलेंडर परवा चौथ को, मैं बच्चन की मेहतारी मांग भर रही है ना हूं कुवारी, अरे मैं बच्चन की मेहतारी, अरे मैं तो ना हूं कुवारी, और कैलेंडर दे दे करवा चौथ को, मैं क्या करूंगी बा कैलेंडर को तेरे को, और ताली बजवा रहे हो तो रमेश गुरु की लाइन पे, अरे चाहे ठाड़े ते लगाऊं कहो तो बैठ के लगाऊं कहो तो नोहरे के लगाऊं मैडम, रमेश गुरु की लाइन पे ताली, वारे तुम्हारी कलम अपनी पोता जेरा पोता जेरा पोतो दे, ओए प्यारी दे, माता माता पिता को किस धरती पर सब मान रहे भगवान है, वो केवल अपना ये हिंदुस्तान है, क्या बात है, और बेटी की शादी करके सब देखो पुण्य कमाते, और बेटी की
शादी करके सवो गंगा में गोता। और मेरे देश में होता है केवल ऐसा, अरे जहां पर एक नदिया को माना, अरे जहां पर एक नदिया को माना, एक मैया के समान है। गंगा से क्या कहते हैं, गंगा मैया। और कहीं दूसरे देश में ऐसा नहीं होता, जहां पर एक नदिया को माना, अरे देखो मैया समान है। और फिर जाऊंगा तालियां, देखो मैया समान है। वो केवल ये अपना हिंदुस्तान है, केवल वो अपना उधर से बेटा एक ही गीत आया था, यही आया था, जब आप पीछो में ना छोड़ूंगा तुम्हारो, जाते गोपाल कहते हैं। हाँ लगा मां सब, एक फिल्म आई थी अमर अकबर एंथनी ढोला, नहीं नहीं जो मैं गा रहा हूं वो सुनिएगा, नहीं ढोला बोला ये फालतू की बातें होती हैं, गाना बजाना सुनिए। आज जाकू ना लास्ट टाइम मुंह ना गवे हो, तुम्हें तुम्हारी औकात कैसे दी गई, फिर कितनी औकात है जम्मू के समय ना। अरे तुम्हारे गुरु कलम का जवाब नहीं है वास्तव में, गवैया तो नहीं 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 फालतू नहीं, गाना बजाना सुनिएगा बेटा। तो आ दरबारी सवाब पे में जरासी, सराब फेंकूंगा। क्या बात है, तुम खड़े के नाचोगे तो जनता में कैसे दिखूंगा फिर। ओफो दूसरे नंबर पे कह रहा था कि जाई नंबर पे दूध को दूध और पानी को पानी ना है जाए तो पाप के अंश से पैदा ना हूं। अब बताओ कौन के अंश से पैदा है जे? जो पत्थर दिल को पिघला दे, जो पत्थर दिल को पिघला दे, जो पत्थर दिल को पिघला दे, जो पत्थर दिल को पिघला दे उसे गम का तराना कहते हैं, जो पत्थर दिल को पिघला दे उसे गम का तराना कहते हैं। और हाजी ताली अपने आप बजाओगे तुम, अरे जो पत्थर दिल को पिघला दे उसे गम का तराना कहते हैं, और जो ठीक जगह पर लग जाए हम उसे निशाना कहते हैं। जहां की होरी मशहूर जगत में हम उसको परसाना कहते हैं, होरी रे चाकी होरी मशहूर दुनिया में उसको परसाना कहते हैं। एक लाइन और आ रही है चुभनी सी है ना, तुम कहो तो भैया। हाँ भैया पीछे आ रहे हो। जहां की होरी मशहूर जगत में हम उसको बरसाना कहते हैं, जो जनता की समझ में ना आए उसे गाल बजाना कहते, जो जनता की समझ में ना आए उसे गाल बजाना कहते हैं, और जो मर्दों के भी छक्के छुड़ाए उसे गोपाल जनाना कहते हैं। देख धुन क्या कह रही है, फिल्म का नाम है अमर अकबर एंथोनी। भैया आवाज आनी चाहिए तुम्हारी हाथों ढकने को बिना आलस के। फिल्म का नाम है अमर अकबर
और उस फिल्म में ये गाना आया। हाँ फेमस है, पहली बार आया हूँ तो मेरा नया है यहाँ पे। एक और मैं काफी डिमांड उसकी भी आ रही है कि यहाँ पहली बार आए हो तो एक गीत मेरा हरिचंद तारावती का बड़ा मशहूर हुआ है, इस मंच पर भी बहुत लोग कह करके चले गए यहाँ मुझसे, गा देना, तो प्रयास करूंगा गाने का। और बाकी कुछ नया नया मैं गाता जा रहा हूँ बार बार। हाँ भैया, अब उस गाने में अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर द्वारा एक्टिंग की गई। भैया चश्मा वाले हो, नाम क्या है आपका? पुष्पेंद्र कुमार शर्मा जी। शर्मा जी, अब अमिताभ बच्चन ऋषि कपूर द्वारा एक्टिंग की गई तो उसमें बच्चन साहब की झलक आई, तो बच्चन साहब की आवाज थोड़ी भारी है। अब गाना क्या कह रहा है? पर्दा है, क्या बात है, पर्दा है, पर्दा है, पर्दा है, पर्दा है, पर्दा है, पर्दा, पर्दा है, पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नसी है, और पर्दा नसी को पे पर्दा न कर दू, ओ पर्दा, पर्दा नसी को पे पर्दा न कर दू तो अकबर मेरा नाम नहीं। सीता का और लंका में दही पहुंचाए और सीता से वो रावण कहने लगा, हे सीते बस एक बार देखो मम मोरा, बस एक बार मेरी तरफ देखो तो सही। सीते ना कोई फटकेबाजी है, ना कोई गाली गलौज, मेरा ये तीसरा नंबर चल रहा है, बकवास उधर से बहुत हो रही है, आप लोग भी देख रहे हो, और मेरी तरफ से केवल जवाब हो रहे हैं उन बातों के। देख, सीता से कहा कि सीते मेरी तरफ देख, मुझे अपना ले, तो सीता ने कहा कि ओ रावण बदला है, बदला है, बदला है, बदला है, बदला है, डॉक्टर साहब बदला है, 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 बदला, अरे लूंगी मैं बदला और अपने अपमान का, लूंगी मैं बदला अपने अपमान का, अरे अपने अपमान का लूंगी मैं बदला। ऐसे अगर एक हाथ मार लेगा तो फ्रैक्चर रह जाएगा जाके, कासगंज पहुंचाना पड़ेगा, अगर छाती में एक हाथ मार लेगा तो फ्रैक्चर रह जाएगा। बदला है बदला, अरे लूंगी मैं बदला और अपने अपमान का, लूंगी मैं बदला और तेरे जकुनवा का सत्यानाश ना करा दूं तो, और तेरे जकुनवा का मैं पीछे तक आशीर्वाद चाहूंगा। हाँ भैया आगे पीछे बारे हो, तेरे जकुनवा का मैं सत्या नाश ना करा दूं तो सीता मेरा नाम नहीं है, बदला है, बदला लोगे बजाना उसे कहते हैं या पसीना आवे। चलो भैया मोना आरो, मतलब चाहिए आम तो पसीना तो डर के मारे आरो है, और मोए आरो मेहनत ते डर के मारे आरो पसीना जाए। देख कि तेरे जकुनवा का मैं सत्या नाश ना करा दूं तो, और तेरे जकुनवा का मैं सत्या नाश ना करा दूं तो सीता मेरा होना नहीं है, बदला है, बदला लोग में बदला।
मेरे राम आएंगे तेरी सोने की बेशक ये रावण ज्ञानी है पर करता क्यों मनमानी है ना ये माया पहचानी है ना ये माया पहचानी है ना ये माया पहचानी खड़े जाओ खड़े ना ये माया पहचानी है तेरे सारे तेरे सारे 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 ओ तेरे सारे तेरे सारे तेरे सारे 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 तेरे सारे तेरे सारे तेरे सारे 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 तेरे सारे कष्ट हर दूं तेरे कुल का नाश कर दूं कब चारों तरफ तेरे जब पूरे काम नजर आएंगे और आशीर्वाद चारों तरफ तेरे जब पूरे काम नजर आएंगे मरे ये सब राक्षस पड़े होंगे और खड़े श्री राम नजर आएंगे मरे ये सब राक्षस पड़े होंगे और खड़े श्री राम नजर आएंगे हम क्या ये समय सुबह का है और मैं पूछना चाहूंगा आप लोगों से आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है हाथ उठा बताओ एक बार धन्यवाद खड़े श्री राम नजर आएंगे अरे हरण करके लाया प्रभु की ये माया तू समझ न पाया हो हरण करके लाया प्रभु की ये माया तू समझ न पाया ये हरण करके लाया प्रभु की ये माया तू समझ न पाया ते दसो शीश तेरे जो मीना कटवा दूं तो अरे दसो शीश तेरे जो मीना कटवा दूं तो एक बात और कही थी भैया ने तेरे बाप चूतिया मर गए भैया चश्मा वाले शर्मा जी इन्होंने हमसे कहा लड़ाई हमारी मुकेश की हो रही है और आपने कहा था कि माँ बहन नहीं आनी चाहिए बाप आ गया और बाप नहीं सुनो ऐसे चो चलो सुनो मेरी बात कायदा की सुनो हाँ जवाब दूंगा बाद में पहले कायदा की बात सुनो प्रमाण से मुझे मेघनाथ बनाता और फिर कहता कि तेरा बाप चूतिया तो जायज था लेकिन आप व्यक्तिगत मुझसे कह रहे हो शायद खुश रहो भैया मुझे मेघनाथ बना देते और फिर कहते कि तेरा बाप चूतिया रावण तो जायज था चो भैया सही गलत है छोटा हूं और इतना छोटा हूं मैं कि जब नंबर गाने के लिए मंच पर चढ़ा था तो तुम मंच पर बैठे हो जनता गवाए सबसे पहले गाने से भी पहले मैंने किशन शर्मा के भी पैर छुए थे और मुकेश के भी पैर छुए थे तो मेरे बाप को चूतिया बता सकते हो लेकिन मेरी इतनी औकात है अगर मुकेश भैया तुम्हारे पापा कहीं चलते फिरते मुझे मिल गए तो मैं चूतिया नहीं बता सकता तुम्हारे बाप के भी पैर छू करके केवल आशीर्वाद ले सकता हूँ इससे ज्यादा मेरी औकात नहीं है लेकिन जो मैं कहूंगा वो आपसे कहूंगा अरे दसो शीस तेरे मेरा कटवा दूं तो अरे दसो शीस तेरे मैं ना कटवा दूं तो और छठी का दूध तुझे याद ना दिला दूं तो 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 गोपाल मेरा जवाब दिया केवल एक टुकड़ा अपना गाया है और हाथ जोड़ रहा पैर छुरा आप लोगों के चरणों में जो मेरा सुपरहिट गीत रहा और आपके इस मंच पर क्षेत्र में भी मैंने नहीं गाया मैं आप लोगों के चरणों में उस गीत को रख रहा हूं और उम्मीद है कि शायद आप लोगों को पसंद आए वैसे कुछ लोगों ने शायद YouTube पर सुन भी लिया हो लेकिन बहुत लोग फरमाइश भी कर गए क्यों कर गए क्योंकि उन्होंने YouTube पर सुना होगा जैसे आप ढोला की कर रहे हो क्यों कर रहे हो क्योंकि YouTube पर सुना होगा हाँ गलत नहीं मैं सभ्यता का गाना है मेरा और अच्छा गाना सुपरहिट
और आप लोगों के चरणों में गीत रख रहा हूँ, एक उम्मीद है कि शायद आपको पसंद आएगा। और माँ साहब धुन लगाना, कभी तेरा दामन न छोड़ेंगे हम। रसिया दंगल मोहनपुरा, बैठो भैया बैठ जाओ। तो यहाँ का दंगल आया था करण शर्मा और अखिलेश वाला, तो यही धुन घबर रही थी उसमें, लेकिन इसी धुन में गाया जा रहा था अखिलेश की तरफ से, मेरी सासु ने जनता मोकू जे ही जड़ा खसम है, गाया जा रहा था। और करण शर्मा उधर से जवाब दे रहे थे कुछ, तो मैंने इस जनता का माहौल उस YouTube पर देखा था और यहां आकर के शायद मेरा मन तृप्त हो गया और धन्य हो गया कि यहां पहली बार मैं आया हूं तो यहां के लोग मुझे सुन रहे हैं। कभी तेरा दामन न छोड़ेंगे हम हाय, यहां पर नौजवान भाई बैठे और बुजुर्ग लोग भी बैठे, उधर से तुम कह रहे सत्तो शर्मा विजेंद्र शर्मा, तुम क्या होड़ करोगे किसी की, चाहे तुम कितना भी जोल लगा के मर जाना और चाहे मैं कितना भी जोल लगा के मर जाऊं और चाहे कोई रसिया वाला कितना भी जोल लगा के मर जाए, पर जो नाम रसियाबाजी में सत्तो शर्मा जी, विजेंद्र शर्मा जी और अशोक शर्मा जी ने कर दिया, कोई माई का लाल नहीं कर सकता ऐसा नाम। क्या बात है, उन्होंने नाम किया बेटा, कारण था एक गीत रात भर में ऐसा होता था हमारे गुरु अतरौली वालों का कि एक माइक पे मर्दाना गा रहा है और एक माइक पे जनाना गा रहा है और एक गीत होता था, और विजेंद्र शर्मा के यहां भी होता था एक माइक पे विजेंद्र शर्मा और एक माइक पे सुभाष या भिक्कु जनाना और एक गीत होता था, अशोक शर्मा के यहां भी होता था एक माइक पे मर्दाना खड़ा है और एक माइक पे जनाना बैठा है और एक गीत होता था। 100 रुपए का पुरस्कार दूंगा मैं भरी मंच पर कहकर जा रहा हूं, अगले नंबर पे एक करुणारस, करुणारस यानी रोने वाला गीत, एक कोई गीत जनाना मर्दाना दोनों गा देना मंच पे, मैं तुम्हें 100 रुपए दे करके जाऊंगा, इससे ज्यादा बड़ी बात नहीं कर सकता रसिया गाने वाले कोई, एक गीत गा देना सिर्फ, एक पे मुकेश हो और एक पर बबलू खड़ा हो और एक ऐसा गीत हो जाए तो आनंद आ जाए दंगल में। कभी तेरा दामन न छोड़ेंगे हम हाय, वो कर ले जमाना चाहे ये कर ले जमाना चाहे लाखों सितम है, कभी तेरा दामन न
छोड़ेंगे हम हाय। सतदानियों की अमर कहानी, सतदानियों की अमर कहानी, अलग वो सत के पीछे छिक गए थे, वो सत के पीछे छिक गए थे, 60 भार सोने के लिए तीनों काशी में जाके बिक गए थे, 60 भार सोने के लिए तीनों काशी में जाकर बिक गए थे। राजा तो बन गए मेहतर, भरते मेहतर का पानी है, बेटे रानी को पंडित ले गए तो रानी बनी पंडितानी है, फूल तोड़ने गयो कुमार लयो कारे ने खाए, और रोहित को लेकर गोद में बुतारा गई मरघट में। जाके चांडाल राजा हरिश्चंद्र हैं, वहीं पर पहुंच गई रानी। अब यहीं से मेरे गीत की शुरुआत हो रही है। हे देवी तू कौन है और बात बता दिल थाम, और इस मरघट में क्या कर रही तू आई है किस काम। आंखों से आंसू बहते, अरे आंखों से आंसू बहते, अखियों का निर्मल पानी हूं, आंखों से आंसू बहते, मैं आंसुओं का निर्मल पानी हूं, और ये तो तुम्हारा बेटा है और मैं एक तारा रानी हूं। अच्छा तारा रानी है तू, तो पर इसे लेकर के यहां पर क्यों आई है। बिरह बेदना की दिल में, अरे बिरह बेदना की दिल में जली है जलन है, बिरह बेदना की दिल में जली है जलन है, और लाई में पास तुम्हारे, और लाई में पास तुम्हारे जित तुम्हारो ललन है। इसे यहां पर तू अगर लाई है तो सुन, अरे लाई में पास तुम्हारे तुम्हारो ललन है, अरे कहीं जल में बहा दे इसको, हो कहीं जल में बहा दे इसको, या कर दे दफन है, ये जल में बहा दे इसको, या कर दे दफन है। और बात करें यहाँ पे दफनाने की, तो जैसे यहाँ पे तू से लेकर के आई है, इस तरीके से यहाँ पर कोई मुर्दा दफनाया नहीं जाता। क्यों? जल में बहा दे इसको, या कर दे दफन है, अरे लाई में पास तुम्हारे तुम्हारो ही ललन है, अरे जल में बहा दे इसको, या कर दे दफन है। और दोस्तों बात अच्छी लगे तो पीछे तरफ प्यार चाहूंगा, अरे कहीं जल में बहा दे इसको, या कर दे दफन है, और कर का टका दे या फिर तू कर का टका दे या फिर तू दे दे कफन है, जल में बहा दे इसको। क्यों? क्योंकि मैं भी यहां पर किसी के हुक्म से रहता हूं, इसलिए सुन। अरे डाक साहब, पहली बार आया हूं मंच पे, एक एक शब्द सुनिएगा मेरे गीत का, एक एक शब्द आप लोगों के दिल को छू करके जाएगा, एक एक शब्द। अब बेटा कहने लगे हरिश्चंद्र सुनो, अरे कालू मालिक के हुक्म पे ये हरिया चलेगा, कालू मालिक के हुक्म पे ये हरिया चलेगा,
और मालिक का हुक्म जो मुझको न हरगिज टलेगा, बिना कर लिए ना यह कोई और मुर्दा चलेगा। अरे बिना कर लिए ना यह कोई मुर्दा चलने है। अरे लाई में पास तुम्हारे ये तुम्हारो ही ललने है। अरे कर का टका दे या फिर तू दे दे कफने है, कहीं चल में बहा दे कि माता होने का मैं भी ये फर्ज निभाऊं, और रोहित की लाश लेकर मैं अब कहां पे जाऊं, और कर का टका ओ स्वामी मैं अब कहां से लाऊं, और जाऊं किसके पास मेरे तुम्हें सजने है। क्या करिए, जाऊं किसके पास मेरे तुम्हें सजने आए। आज इस बात को कह रही है कि मैं कहां जाऊं क्योंकि तुम्हें मेरे सजन हो, लेकिन सुन। अरे तारा तू उस दिन की और याद कर कहानी, ये तारा तू उस दिन की याद कर कहानी, मैं भरने गया था अपने और मालिक का पानी। और गाना चल रहा है मेरा और लाइन दिल को छू कर जाए तो पीछे तक आशीर्वाद आना चाहिए। तुम्हें सजन आज सजन कह रही है, पर तारा तू उस दिन की याद कर कहानी, और मैं भरने गया था तालू मालिक का पानी, तब तब हाथ ना लगाया तूने बनी बंदारी। अरे हाथ ना लगाया तूने, अरे साक्षी है मेरे सत के ये धरती गगन है, जल में बहा दे इसको या कर दे दफन है। और शर्मा जी मेरे गीत का ये अंतिम अंतिम बंदे, तुम भी हो सत पे स्वामी तो मैं भी सत पे ठाड़ी, और हमेशा चलेगी स्वामी और सत की ये गाड़ी, कफन के बदले तुमको मैं देती आदि साड़ी, ओ कफन के बदले तुमको देती आदि। और लिखते हैं कुट्टर बोरे सदा ऐसी कथन है, हो कुट्टर गुरु के मैं ये छूता चरण है, कर का टका दे या फिर तू दे दे कफन